भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात बांकामरपुर प्रखंड के कुसमहा पंचायत के पूर्व मुखिया मुन्नी देवी को अपराधियों द्वारा गोली मारे जाने के बाद गंभीर रूप से घायल स्थिति में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने पूर्व मुखिया की हालत गंभीर बताई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के कारण बदमाशों ने पूर्व मुखिया को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली पेट में लगने से मुन्नी देवी जमीन पर गिर गई। गंभीर रूप से घायल पूर्व मुखिया को परिजनों ने आनन फानन में अमरपुर रेफरल अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना का कारण पारिवारिक एवं चुनावी रंजिश बताई जा रही है। वहीं पूर्व मुखिया के परिजनों ने इस मामले में मुन्नी देवी की ननद के पुत्र उपेंद्र उप ओपी मंडल पर गोली मारने का आरोप लगाया है। गोपी मूल रूप से कजरा गांव का है, लेकिन कई वर्षों से वो मुन्नी देवी के घर पर ही रहता था। घायल पूर्व मुखिया के पुत्र देवराज मंडल ने बताया कि उसकी मां घर के आगे खड़ी थी। इसी दौरान उपेंद्र उर्फ ओपी मंडल देसी कट्टा लहराते हुए आया और इसकी मां को गोली मारकर भाग गया। हम आपको बता दें, 3 वर्ष पूर्व मुन्नी के पति नवलकिशोर चौहान की भी अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। नवल अपने पुत्र के साथ एक शादी समारोह से बाछनी गांव से लौट रहा था। इसी क्रम में पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर नवलकिशोर चौहान की हत्या कर दी थी। मुखिया पति के हत्या में भी उपेंद्र उर्फ ओपी मंडल ही आरोपी था, जो कि उस केस में फरार चल रहा है। इस कांड में विधवा उत्तरी टोला के उसके रिश्तेदार सीताराम मंडल एवं उसका 3 पुत्र समेत 1 दर्जन आरोपी जेल में है। बताया जाता है कि पिछले पंचायत चुनाव में नवल किशोर चौहान ने सीताराम मंडल के सहयोग से ही पत्नी को मुखिया बनाया था, लेकिन पत्नी के मुखिया बनने के बाद नवल किशोर चौहान ने सीताराम मंडल एवं उसके पुत्र को दरकिनार कर दिया। इसी खुन्नस में नवल की हत्या की गई थी। वहीं अमरपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर अपराधियों के धरपकड़ को लेकर छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। भागलपुर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आरंभ कुमार सिंह ने 2016 ईस्वी में इसाकचक थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म मामले में अपहरण कांड में शामिल आरोपी विकास और विक्की को दोषी करार देते हुए 7 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई और अर्थदंड नहीं दिए जाने पर 2 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भी विक्की को भुगतनी पड़ेगी। पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक शंकर जैक्सन मंडल ने बताया कि भागलपुर की इसाकचक थाना क्षेत्र से 2016 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस अनुसंधान और गवाहों के बयान के बाद पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। भागलपुर के नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के परबत्ता के श्रेयान ज्वेलर्स में देर रात चोरों ने करीब 1,70,000 रुपये के आभूषण, 3 मोबाइल और नगद 12,000 रुपये की चोरी कर ली। श्रेयान ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर चंदन कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग सोए थे, करीब 1:30 बजे रात में यह वारदात हुई। जब हम लोग जागे तो देखा सारा दरवाजा खुला था और सारा सामान गायब था। तभी हम लोगों ने दुकान में लगे कैमरे को देखा तो उसमें एक चोर चोरी करते हुए दिखा। वह सिर्फ लाल तौलिया बांधे हुआ था और एक हाथ से वो अपाहिज दिख रहा था। सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा भी दिख रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही परबत्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। सर का नंबर बताइए तो, सर का नंबर दीजिए ना, जाइए ना स्टाफ है नीचे लीजिए चलिए आइए नीचे। पत्रकार है तो क्या कर लीजिएगा, घोट लीजिएगा पत्रकार है तो तुम ऑफिस में ड्रेस में जाएगा, तुम चिखाने वाला हो हम या बस है तो कौन जी है, दरबान है तो दरबान है तो दरबान तो दरबान से पहले तुम पूछेगा यहाँ जैसे आए यहाँ तो दरबान का काम कहाँ है, ऊपर क्या क्या सामान गायब हुआ है। यह जो हॉल में घूमते नंग धड़ंग शख्स को आप देख रहे हैं, यह है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के आदमपुर स्थित ऑफिस में कार्यरत लेखापाल। और यह हॉल किसी घर का नहीं बल्कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के भागलपुर का कार्यालय है। अब कुछ पत्रकार खबर संकलन करने जब कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय खाली पाया और कुर्सी पर कोई नहीं दिखा। फिर एकाएक सामने से लुंगी और गमछा लपेटे आराम से चहलकदमी करते आते लेखापाल साहब दिख गए। पत्रकारों को एकाएक सामने देख वो आग बबूला हो गए और फिर जाकर पूरे कपड़े पहनकर आ गए और अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए पत्रकारों पर ही चोरी का आरोप लगाकर थाने में शिकायत करने की बात कहने लगे। पत्रकार है तो क्या कर लीजिएगा, घोट लीजिएगा पत्रकार है तो तुम ऑफिस में ड्रेस में जाएगा, तुम चिखाने वाला हो हम या बस है तो कौन जी है, दरबान है तो दरबान है तो दरबान तो दरबान से पहले तुम पूछेगा यहाँ जैसे आए यहाँ तो दरबान का काम कहाँ है, ऊपर क्या क्या सामान गायब हुआ है। आईडी कार्ड दीजिए पहले। हालांकि वो धमकी दे रहे थे पर थाने में फोन नहीं कर रहे थे।
इस बीच एक पत्रकार का आई कार्ड भी ले लिया और बाइक की चाबी भी निकाल ली और फिर देनी से इनकार करने लगे। चलिए थाना बुलाइए, बुलाइए थाना, बुलाइए हम यहीं हैं, थाने बुलाइए तो हम यहीं हैं, हम बुलाते हैं। आईडी कार्ड दीजिए ना पहले। आईडी कार्ड आप मांगे दिए ना? क्यों दें? बोल रहे हैं आईडी कार्ड देने के लिए। क्या करेगा? हम कुछ नहीं करेंगे, आप आईडी कार्ड दीजिए। बात करने का तरीका सीखो, हम सीखे हुए हैं सर, आप भी अंदर से सही बोल जाइए। हटे हटे जाइए। उनके इस कारनामे का वहां मौजूद गार्ड और एक कर्मचारी ने भरपूर साथ दिया। अब आपको इन महोदय का परिचय भी बता देते हैं। यह है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के आदमपुर स्थित ऑफिस में कार्यरत लेखापाल राजेश कुमार शर्मा। बाद में पत्रकारों के द्वारा ही जोगसर थाना पुलिस को मामले की जानकारी देने के बाद पत्रकार का आईडी सरकारी बाबू ने वापस किया। अब अगर ऐसी स्थिति पत्रकारों के साथ उत्पन्न हो गई तो आम आदमी के साथ बिहार राज्य पुल निगम निर्माण लिमिटेड के सरकारी बाबू और यहां पर तैनात गार्ड क्या करते होंगे, यह आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। सर का नंबर बताइए तो, सर का नंबर दीजिए ना, जाइए ना स्टाफ में लिख दीजिए ना, चलिए आइए नीचे। पत्रकार आ जाए क्या कर लीजिएगा, घोट लीजिएगा पत्रकार आ जाए। तुम ऑफिस में ड्रेस में जाएगा, तुम चिखाने वाला हो। नगर निगम भागलपुर के कर्मियों द्वारा लगातार खुलेआम बगैर किसी रोक टोक के सड़क किनारे कूड़ा गिराया जा रहा है। वहीं कहने को तो भागलपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पूरा मामला नाथनगर का है। नाथनगर रेलवे स्टेशन सुखराज राय उच्च विद्यालय इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय आने जाने वाले राहगीरों को और छात्र छात्राओं को इस कूड़े से आने वाले दुर्गंध से दो चार होना पड़ता है। लोग बीमारियों के फैलने की आशंका से भयभीत है। सड़क किनारे जहां तहां कचरा गिराने से काफी परेशानी हो रही है। लोगों को नाक पर रुमाल रखकर इस सड़क से गुजरना होता है। आसपास रहने वाले लोगों का जीवन नारकीय बना हुआ है। साथ ही वहां से गुजरने पर ऐसी सड़ांध उठती है कि उससे लोगों का दम फूलने लगता है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बेजुबान पशु कूड़े को बिखेर कर सड़क तक फैला देते हैं। बारिश के मौसम में तो इस सड़क से होकर गुजरना काफी मुश्किल हो जाता है। परेशानी है सर, रोड पे कूड़ा गिरा रहता है, बाल बच्चा को स्कूल लाते हैं पहुंचाते हैं तो बहुत परेशानी होती है बच्चा को, प्लस हमको भी परेशानी होता है आने जाने में, बीमारी का डर है, छोटा छोटा बच्चा है। सामने में कूड़ा पड़ा रहता है, स्कूल भी बगल में, स्कूल वाले भी नहीं बताते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, इसी वजह से नहीं आते हैं उठाने के लिए। अच्छा, हमेशा देखते हैं गंदगी रहता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में, जिसके वजह से गार्जियन को तो परेशानी है, ये बच्चे को प्रदूषण लगा है, कोरोना महामारी फैला हुआ है इस वजह से, और क्या होगा। यही है कि वार्ड नंबर 5 बहुत घनी आबादी है और कूड़ा डैम्पिंग का जगह हमारे वार्ड नंबर 5 में कहीं पर नहीं, लेकिन हमने नगर निगम के पदाधिकारी को बार बार कहते हैं कि भाई मेरे एरिया बहुत घनी आबादी वाला एरिया है, भगवान के लिए आप लोग इसको जैसे 10:30 बजे 11 बजे तक कूड़ा होता है उसको रोज़ रात को उठा लिया कीजिए, लेकिन प्रभारी और वहाँ के नगर आयुक्त वगैरह इस बात पर तवज्जो नहीं देते हैं, जिससे हमारा वार्ड बहुत गंदा रहता है। स्कूल के पास और 2 हाई स्कूल है, उसमें इंटरमीडिएट का भी पढ़ाया होता है। जीवन जागृति सोसाइटी ने छठ पूजा के मद्देनजर और आम दिनों में भी डूबने से बचाव के लिए फाइबर का सेफ्टी ट्यूब बरारी पुल घाट पर लगाया। इसे मुकेश सहनी के दुकान पर उनके जिम्मे रखा गया है। इसमें रस्सी बंधा हुआ है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि यहाँ सालों भर लोग दूर दूर से नहाने आते हैं और उनके डूबने की संभावना बनी रहती है और डूबते भी हैं। पहले सोसाइटी के द्वारा साधारण रबड़ की ट्यूब और रस्सी रखा जाता था और डूबते व्यक्ति की तरफ फेंका जाता था। उसके द्वारा भी करीब 50 लोगों की जान बचाई गई है। उसमें रखरखाव की समस्या ज्यादा थी क्योंकि हवा लीक हो जाती थी, इसलिए अब फाइबर का ट्यूब दिया गया है जिसमें बरसों तक खराबी नहीं आएगी। मुकेश सहनी जो जीवन जागृति का डूबने से बचाव हेतु सुरक्षा मित्र हैं और लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं ने कहा कि यह ज्यादा अच्छा है और जरूरत के समय धोखा नहीं देगा। मौके पर अखिलेश एवं मृत्युंजय एवं अन्य लोग मौजूद थे। आज का कार्यक्रम बरारी पुल घाट पर हम लोगों ने फाइबर का ट्यूब लगाया है, सुरक्षा जैकेट जिसको कह सकते हैं। हम लोग लगातार 3 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं, ट्यूब और रस्सी रखते थे और मुकेश जो डूबने से बचाता है, सुरक्षा मित्र है, वह उसमें मदद करता है। हर बार हम लोग जितना बार डूबने से बचाता है वह 500 से हम लोग लेते हैं।
ट्यूब जो हवा भरा होता था उसमें बार बार उसको रिपेयर करना पड़ता था, हवा लीक होता था, इसलिए हम लोगों ने इसे फाइबर का दिया है जिसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। पिछले 3 वर्ष से आप गौर कर रहे होंगे बरारी पुल घाट पर डूबने की और डूबकर मर जाने की दुर्घटना नहीं सुनाई देता होगा।